माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर को समझ लिया था, नाउ अब हम बच्चे मूव करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। तो एक एक करके देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। इसमें हम इपोक्साइड के बारे में भी बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखते हैं बच्चों केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। ईथर की केमिकल प्रॉपर्टी, और यहां पर मैं साथ साथ लिख देता हूं बच्चों इपॉक्साइड, ठीक है? आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है? इपॉक्साइड, ठीक है बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। अगर एक बार आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि बच्चों किस तरीके से हमको हमारा यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी है। सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी ईथर का, हेलोजिनेशन रिएक्शन। कौन सा बच्चों? हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान से, इसमें आपको ज्यादा टिपिकल नहीं है, इसमें आपको कुछ रिएक्शन बच्चों आपको मगअप करनी पड़ेगी, ठीक है? तो एक एक करके समझते समझते आप मगअप भी कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर ये मैं कोई ईथर बना रहा हूं बच्चों, देखो ये मेरा डाई इथाइल ईथर है। डाई इथाइल ईथर बच्चों, आपको नेमिंग भी आनी चाहिए। डाई इथाइल ईथर की रिएक्शन अगर मैं Cl2 के प्रेजेंस में डार्क में कराऊंगा, ठीक है, डार्क में कराऊंगा, तो क्या होगा कि ऑक्सीजन के एडजेसेंट पॉइंट पर ये आपका जाके जुड़ जाएगा। मतलब ऑक्सीजन के एडजेसेंट पॉइंट पर ये आपका जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका फ्री रेडिकल यहाँ पर स्टेबल होगा, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों? लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में लू, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं डाई इथाइल ईथर को ही बच्चों एक्सेस अमाउंट में मैं अगर लूं Cl2 का और यहां पर मैं सनलाइट करूं, तो आपका क्या होगा बच्चों? ध्यान से समझेंगे, सनलाइट करेंगे तो सारे के सारे बच्चों आपके क्या होंगे, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, तो यहां पर आपका बनेगा CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3। इसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर। इसको क्या बोलेंगे? पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर इसका नाम होगा बच्चों ये आपका, ठीक है? तो थोड़ा सा नाम पे भी आप लोग ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अल्फा अल्फा डैश। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अल्फा अल्फा डैश डाई क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ठीक है? इसका नाम इस तरीके से लिख देंगे बच्चों हम लोग। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेलोजिनेशन में आपको ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। अब जो आपकी रिएक्शन है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, रिएक्शन नंबर टू, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल एसिड। ध्यान से समझना बच्चे इसको, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका मतलब IIT और JEE और आपके मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है? मिनरल एसिड जैसे कौन कौन से बच्चों? HCl एंड H2SO4। तो अगर इसके साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे तो किस तरीके से होगा देखते हैं बच्चों। ये मैंने बना दिया यहाँ पर ईथर। देखो मैं कोई भी ईथर का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, इसका मैंने लिख लिया बच्चों डाई मिथाइल ईथर, ठीक है? डाई मिथाइल ईथर का रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ कराऊंगा तो आपका क्या होगा? ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब देखो, जैसा कि आप लोग जानते हो बच्चों कि ईथर में जो ऑक्सीजन अगर आपका प्रेजेंट होता है तो वहां क्या होता है बच्चों? ईथर में जब आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसके पास लोन पेयर होगा, तो ये H+ पे अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा बच्चों? CH3OH CH3, यहाँ पर प्लस साइन, और यहाँ पर ये आपका सोल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्सीनियम सोल्ट, ठीक है? ऑक्सीनियम सोल्ट। अगर मैं इसका नाम पूछना चाहूं तो क्या बोलूंगा बच्चों? डाई मिथाइल ऑक्सीनियम क्लोराइड। इसकी वजह से ऑक्सीनियम क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। देन फर्दर, अगर मैं इसको H2O में ऐड करूं, H2O में अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर से मुझे क्या ऑब्टेन हो जाएगा बच्चों? डाइमिथाइल ईथर। अगर मैं H2O से इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो यहां से वापस से मुझको क्या मिल जाएगा बच्चों? डाइमिथाइल ईथर। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है बच्चों आप लोगों को,
डाई मिथाइल ईथर, और यहां पर आपका क्या बन जाएगा HCl। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। रिएक्शन ना इसी में एक और हम अभी H2SO4 के लिए भी समझ लेते हैं बच्चों, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिया, ये हमारा रिएक्शन नंबर वन, ये हमारा रिएक्शन नंबर टू। देखो बच्चों CH3CH2O CH2CH3, ये हमारा ईथर होगा, इसका नाम डाई इथाइल ईथर। अब इसकी रिएक्शन में अगर H2SO4 के साथ कराऊंगा तो आपका क्या बनेगा बच्चों, ये यहाँ H प्लस को लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3CH2OH, यहाँ प्लस CH2CH3। अब ये प्लस है तो इसके बाहर क्या लगेगा बच्चों, HSO4 माइनस। इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, नाम इसका होगा बच्चों डाई इथाइल ऑक्सीनियम बाई सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाई सल्फेट बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा डाई इथाइल ऑक्सीनियम बाई सल्फेट। अगर मैं इसका H2O के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो सिमिलर आपका क्या मिल जाएगा बच्चों CH3CH2O CH2CH3 और आपका H2SO4 निकल जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इसमें कोई बड़ा आपका रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझाने के लिए आप इजीली इसको समझ सकते हो बच्चों। ठीक है, इसमें कोई आपका इंपॉर्टेंट बात नहीं है। देखो बच्चों अब नेक्स्ट रिएक्शन, समझते हैं बच्चों। यहां पर नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। ईथर का ऑटो ऑक्सीडेशन हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, समझते एक एक करके। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ईथर को एटमोस्फेरिक एयर, मतलब एयर के प्रेजेंस में, देखो ये मैंने लिया डाई इथाइल ईथर, ठीक है, ये मैंने डाई इथाइल ईथर लिया। अगर मैं इसको एटमोस्फेयर O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा तो ये आपका क्या बना लेगा बच्चों, पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, पेरोक्साइड का। देखते हैं बच्चों किस तरीके से आपका पेरोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ये। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा बच्चों, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर ये आपका लिमिटेड अमाउंट में हुआ, फर्स्ट आपका क्या होगा लिमिटेड अमाउंट, अगर ये आपका लिमिटेड अमाउंट में हुआ तो क्या होगा, देखो यहां पर CH3CHHO CH2CH3। नाउ अगर मैं अब इसका यहां पर फ्री रेडिकली इसको डिसोसिएट करूंगा बॉन्ड को, किस बॉन्ड को मैं किस तरीके से डिसोसिएट करूंगा बच्चों, फ्री रेडिकली। अगर मैं फ्री रेडिकली इस बॉन्ड को डिसोसिएट किया और यहां से ये वाला बॉन्ड भी आकर आपका फ्री रेडिकली डिसोसिएट हुआ, और ध्यान से समझेंगे, अब ये ऑक्सीजन आप लोग जानते हो बच्चों ये भी आपका होमोलाइटिक डिसोसिएशन होगा। अब देखो क्या होगा बच्चों, जो आपका ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है वो इस ऑक्सीजन पे, और ये वाला हाइड्रोजन आपका यहां ऐड होगा, तो आपका क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से CH3CHOOH। ठीक है, यहां पर ओ CH2CH3। नाउ अब आपका किसका फॉर्मेशन हो गया, पेरोक्साइड का। नाउ अब आपका किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, पेरोक्साइड का, लेकिन कब, जब मैंने डाई इथाइल ईथर को लिमिटेड अमाउंट में लिया होगा। ठीक है, अगर मैं डाई इथाइल ईथर को एक्सेस अमाउंट में लूं, क्या लूं बच्चों, एक्सेस अमाउंट में लूं, तो आपका क्या होगा रिएक्शन, उसको समझते हैं एक एक करके। अगर मैंने डाई इथाइल ईथर को एक्सेस अमाउंट में लिया तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर अगर मैंने इसका अमाउंट बढ़ा दिया तो आपका रिएक्शन किस तरीके से प्रोग्रेस होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझते हैं एक एक करके ध्यान से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो यहां पर क्या होगा, CH3CHH ये आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा। ठीक है, OCH2CH3। ठीक है, ये इस तरीके से, और यहां पर क्या बना लेगा CH3CH डॉट। ठीक है, OCH2CH3। ठीक है, अब यहां पर ऑक्सीजन जो आपका होमोलाइटिक डिसोसिएट होगा बच्चों, ऑक्सीजन जो कि आपका किस तरीके से डिसोसिएट होगा, होमोलाइटिक, ध्यान रखना
ना बच्चों, मैं यहाँ पर फ्री रेडिकली में हाफ एरो का फॉर्म, हाफ एरो बना रहा हूँ बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना। यहां पर आपका क्या होगा बच्चों, CH3CHOO डॉट, ठीक है, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर, ये आपका इससे आपका एड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर OCH2CH3, नाउ अदर मोल ऑफ, में एक और मोल अगर मैं इसी का लूंगा डाइइथाइल ईथर का, और यहां पर मैंने अगर इसका होमोलाइटिक डिसोसिएशन करा दिया, तो आपको यहां पर क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से आपका बन जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां पर आपका क्या बना बच्चों, फ्री रेडिकल बना। नाउ अब जो यहां पर अगर आपका फ्री रेडिकल बना, ये फ्री रेडिकल आपका इससे अटैच होगा, तो यहां पर CH3CHOO, ये आपका इस तरीके से यहां पर बन जाएगा बॉन्ड, ये ओ, ये आपका इस तरीके से यहां पर CH2CH3, ये तो आपका था OCH2CH3, यहां पर ओ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये वाली रिएक्शन प्रोग्रेस होती है, इसको बोलते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ ईथर। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिटेशन है, ध्यान से समझेंगे। फॉर अब देखो, इसके अंदर पेरोक्साइड है या नहीं है ईथर के अंदर, वो हम कैसे डिटेक्ट करेंगे। फॉर डिटेक्शन ऑफ पेरोक्साइड, डिटेक्शन ऑफ पेरोक्साइड, अब देखो डिटेक्शन ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड का मुझे डिटेक्शन करना है कि नहीं है, तो पेरोक्साइड के डिटेक्शन करने के लिए हम क्या लेंगे बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, फेरस अमोनियम सल्फेट होगा। फेरस अमोनियम सल्फेट के अंदर Fe आपका +2 फॉर्म में होगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब देखो, ये आपका फेरस अमोनियम सल्फेट है, इसकी रिएक्शन मैंने अगर पेरोक्साइड के साथ कराई, ठीक है, पेरोक्साइड के साथ कराई, और साथ में मैं क्या लूंगा आगे, अगर मैंने KSCN लिया, KSCN का मतलब पोटेशियम थायोसाइनेट, इसका नाम क्या होगा बच्चों, पोटेशियम थायोसाइनाइड, अगर मैंने पोटेशियम थायोसाइनाइड लिया, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, FSCN2। ध्यान रखना बच्चों, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स बना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका इनऑर्गेनिक में भी आता है, इनऑर्गेनिक में भी आपका यूज होगा, ये ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है जेई में। इसका कलर आपको ध्यान रखना है, इसका कलर होता है बच्चों रेड ब्लड कलर, मतलब रेड ब्लड के टाइप का इसका कलर होगा बच्चों, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर पेरोक्साइड होगा तो इस तरीके से रिएक्शन होगी, पेरोक्साइड क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडेशन को करेगा, तो इसका ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये आपका इस तरीके से रेड ब्लड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, यहां पर आपका थ्राइज हो जाएगा, रेड ब्लड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। FeSCN6 ये आपका कौन सी चैप्टर में अब आपको मिलेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कहां मिलेगा बच्चों, ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आपको मिलने वाला है ये, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पर हमने अभी तक यहाँ पर तीन केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ लिया है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। देखो ईथर का हाइड्रोलाइसिस काफी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है, और ध्यान रखना इसमें से क्वेश्चन आपसे जरूर पूछता है, इसमें से क्वेश्चन आपका जेई और मेडिकल में जरूर आता है बच्चों। फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। अब देखो ईथर का हाइड्रोलाइसिस हम किस तरीके से कराएंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे, काफी इजी कंसेप्ट है, ठीक है। देखो यहां पर मैं आपको दो तीन रिएक्शन लिखता हूँ, फिर उसके मैकेनिज्म को लिखेंगे। देखो यहाँ पर CH3CO CH3, अगर मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है H+H2O, ठीक है, यहाँ पर लोन पेयर होगा, अब ये यहाँ अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3OH+CH3। नाउ अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखो ध्यान से, अब यहाँ पर पहले ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर था, अब यहां पर इसने जब अटैक किया तो ये क्या बन गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्या बन गया बच्चों, ये आपका अब इलेक्ट्रोफाइल, अब क्या होगा, प्लस चार्ज है, अब देखो H2O एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका बैक साइड अटैक करेगा, क्यों बैक साइड अटैक करेगा, ध्यान रखना अगर 1 डिग्री का प्रिपरेशन होगा तो हमेशा बैक साइड अटैक करेगा, ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, CH3O ये आपका बाहर निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप,
तो यहां पर सी एच थ्री ओ एच ओ एच प्लस, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा सी एच थ्री ओ एच टू सी एच थ्री ओ एच। ठीक है, अब यहां पर इसका अगर मैं आगे यहां से एच प्लस निकलेगा तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर सी एच थ्री क्या है, वन डिग्री है, वन डिग्री होगा। मतलब अगर इन केस ऑफ वन डिग्री, ठीक है, इन केस ऑफ वन डिग्री छोड़ो बच्चों, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ध्यान से समझ में आएगा, उससे उससे ज्यादा समझ में आएगा, थियोरी से ज्यादा अगर मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब ध्यान से समझते हैं, अगला एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री ओ सी एच थ्री। अब देखो बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट बात, एच प्लस एच टू ओ। अब देखो यहां पर एच प्लस और एच टू ओ, एच प्लस और एच टू ओ ना लेके मैं यहां पर डी लेता हूँ बच्चों, ताकि आपको और समझ में आएगा। ठीक है, डी लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों आपको। ठीक है, इसको मैंने डी ले लिया, अब देखते क्या होगा। सबसे पहले हमारे पास ईथर में न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ईथर में हमारा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, ये आपका यहां अटैक करेगा, यहां क्या बना लेगा बच्चों सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री, यहां पर ओ प्लस, यहां पर सी एच थ्री, यहां पर एच। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होगा बच्चों, देखो यहां पर टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो वो आपका ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर जैसे ही डी टू ओ किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब देखो ध्यान से, यहां पर SN1 क्यों होगा, बहुत ही इजी कांसेप्ट है, H2O is a weak nucleophile. H2O आपका क्या होता है बच्चों, weak nucleophile होता है, weak nucleophile आपका SN1 प्रोग्रेस करेगा, लेकिन 1 डिग्री में SN1 आपका प्रोग्रेस नहीं हो सकता, इसीलिए आपका इस तरीके से रिएक्शन को प्रोसीड करना पड़ा। लेकिन यहां पर आपका H2O weak nucleophile है, लेकिन यहां पर अगर मैं इसको बाहर निकाल दूंगा तो यहां पर आपका कार्बोकैटायन बन जाएगा, और कार्बोकैटायन आई होप सो कि ज्यादा स्टेबल होता है, अब टर्शियरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, तो यहां पर OHCH3 नेक्स्ट स्टेप में इस पर आपका D2O अटैक करेगा, तो आपका क्या बना लेगा बच्चों CH3 CH3 CH3, यहां पर OD। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैंने कौन सा फिनोमिना लिया, SN2, और इसमें मैंने क्या लिया बच्चों SN1। देखो सिंगल सिंगल होगा तो SN1। ठीक है, अगर मैं एक और यहां पर देख लेते एग्जाम्पल, ताकि आपको और भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते बच्चों एक और एग्जाम्पल, देखो ये मैंने लिया डाई इथाइल ईथर, इसकी रिएक्शन में मुझे करवानी है बच्चों आपके पास किसके किससे, डी प्लस और एच टू ओ। ठीक है, डी प्लस और एच टू ओ, आई होप सो कि आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर आपका ये होगा बच्चों, अब ये यहाँ अटैक करेगा, नाउ अब आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ओ डी, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों आपका सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी आपका हो सकता है, यहाँ पर अगर मैंने H2O को अटैक कराया तो न्यूक्लियोफाइल आपका क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ अटैक करेगा बैक साइड, क्योंकि 1 डिग्री है, तो यहाँ पर SN2 टाइप हो जाएगा रिएक्शन, और ये आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों CH3 CH2 OH, और साथ में CH3 CH2 OD। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे, तो चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे, देखो ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर आपको पता पड़ गया कि SN1 कब लाना है और SN2 कब लाना है, काफी इजी कांसेप्ट है, आपको यहां पर पता है कि SN1 का यूज कब करोगे और SN2 का यूज आप लोग कब करोगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर रिएक्शन करेंगे। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो ये मैंने इस तरीके से बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया बच्चों, फिनाइल रिंग। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा मतलब सुपर क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको देख लेते हैं बच्चों CH3। ठीक है, अब मैंने इसकी रिएक्शन एच प्लस और एच टू ओ के साथ करा दिया, अब आपको डी टू ओ वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर है, तो ये आपका यहाँ अटैक करेगा, करेगा कि नहीं करेगा बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, ये इस तरीके से यहाँ पर अटैक कर जाएगा, और यहाँ पर ओ एच और सी एच थ्री। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये प्लस है, अब देखो यहां पर मैं अगर इस बॉन्ड को डिसोसिएट करूंगा,
इस बॉन्ड को डिसोसिएट करूंगा, तो क्या आपका ये वाला बॉन्ड अगर आपका डिसोसिएट हो पाएगा बच्चों, ये वाला बॉन्ड आपका डिसोसिएट हो पाएगा? देखो ध्यान से, अगर ये वाला बॉन्ड को डिसोसिएट करूंगा तो ये वाले बॉन्ड में आपका हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, फिनाइल रिंग आपका टूटेगा नहीं, तो आपका कौन सा बॉन्ड आपका टूटेगा? ये वाला। तो ये आपका एज अ लिविंग ग्रुप आपका बाहर निकलेगा, ठीक है, यहां पर इस तरीके से होगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट में आपका क्या होगा, CH3, यहां पर आपका कौन अटैक करेगा? इस पॉइंट पर आपका H2O का वाटर मॉलिक्यूल अटैक करेगा और यहां पर आपका OH बना लेगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, काफी इजी कांसेप्ट है। एक और अब हम देखते हैं बच्चों, देखते हैं एक और ध्यान से। सेम रिएक्शन हम लोग लेंगे फिर से बच्चों HI और HBr के साथ, तो इसीलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने ये लिया बच्चों, अगर मैंने ये लिया, यहां पर मैंने दो फिनाइल रिंग ले ली, ठीक है, दो फिनाइल रिंग ले ली। अब देखो यहां पर जैसे ही मैंने H+ और H2O के प्रेजेंस में मुझे हाइड्रोलाइसिस कराना है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? अब देखो यहां से तोड़ेंगे फिर फिनाइल अनस्टेबल, यहां से तोड़ेंगे फिर फिनाइल कार्बोकैटायन अनस्टेबल, तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है। यहां पर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, रिएक्शन आपका प्रोग्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की ओर मूव करते हैं बच्चों। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये इस तरीके से और यहाँ पर ये आपका इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर H+ और H2O, ठीक है, देखो ध्यान से। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन आपका फिनाइल कार्बोकैटायन के लिए नहीं होता है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर नो रिएक्शन। अब देखो दोनों में अगर जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो ब्रिजहेड कार्बन पे आपका कार्बोकैटायन आएगा, तो ब्रिजहेड कार्बन पे कार्बोकैटायन आएगा तो मतलब ब्रिजहेड कार्बन ना तो आपका SN1 शो करेगा, ना ही आपका SN2 रिएक्शन शो करेगा। क्यों? कि जो आपका ब्रिजहेड कैटायन इज नॉट प्लेनर, प्लेनर नहीं होता है, इस वजह से ये आपका रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको रिएक्शन को सॉल्व करना है। अब देख लेते हैं बच्चों एक और एग्जांपल, एग्जांपल हम लोग एक और देख सकते हैं बच्चों। इसमें ये मैंने बना दिया यहां पर फिनाइल रिंग, ये ओ, यहां पर मैंने ब्रिजहेड कार्बन को ले लूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पर भी मुझे H+ और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है, क्या हो पाएगा रिएक्शन? देखो यहां तोड़ेंगे तो ब्रिजहेड कार्बन, यहां तोड़ेंगे तो फिनाइल कार्बन के टैग, बोथ कैन नॉट शो, ये आपका SN1 भी फॉलो नहीं करेगा, ना ही ये आपका SN2, दोनों के लिए इम्पॉसिबल है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर ब्रिजहेड कार्बोकैटायन आपको ना तो SN1 शो करेगा, ना फिनाइल कार्बोकैटायन आपका SN1 और SN2 शो नहीं करता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक और रिएक्शन अब हम देख सकते हैं बच्चों, यहां से हम यहां पर एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। देखो अगर मुझे इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है, यहां पर मुझे अगर इसका हाइड्रोलाइसिस कराना है H+ और H2O, देखो किस तरीके से कराएंगे बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस। देखो सबसे पहले देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, देखो सबसे पहले यहां पर आपका H+ अटैक करेगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये आपका H आ गया और यहां पर ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, अगर ये यहां से डिसोसिएट होगा तो यहां पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो यहां पर अटैक करेगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों आपका, ये इस तरीके से OH और यहां पर भी आपका OH। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, और यहां पर एक और, ठीक है, काफी इजी कांसेप्ट है, अगर आप लोग ट्राई करोगे तो पक्का आपको आएगा बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा कुछ भी चीज, काफी इजी कांसेप्ट होते हैं बच्चों। देखो एक और रिएक्शन, एक और मैं आपको इसको एग्जांपल देता हूं बच्चों, ताकि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो यहां पर मैंने अगर इस तरीके से लिया कोई कंपाउंड ओ, ठीक है, अब देखो यहां पर अगर मैंने OH- और H2O लिया, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? देखो यहां पर फर्स्ट अटैक न्यूक्लियोफाइल, फर्स्ट अटैक देखो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है बच्चों। अब देखो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, आपका इलेक्ट्रोफाइल ही नहीं है,
तो ये रिएक्शन आपका वो पॉसिबल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नो रिएक्शन। तो हम क्या बोल सकते हैं, बेसिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर कैन नॉट पॉसिबल। आई होप सो कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेसिक मीडिया में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको मैंने बता दिया, ऑल आर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद HI एंड HBr। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी को समझते हैं बच्चों, रिएक्शन विद HI एंड HBr। देखते हैं बच्चों यहां पर फिफ्थ रिएक्शन विद HI एंड HBr। ठीक है, आप देखो इसके साथ कैसे रिएक्शन होगा बच्चों, आई होप सो कि आपको आधा समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखते हैं बच्चों किस तरीके से रिएक्शन होगा इसके साथ, इसका भी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझाता हूँ बच्चों। ठीक है, मैकेनिज्म में एग्जांपल में ही लूंगा ताकि आपको मैकेनिज्म भी समझ में आ जाए और एग्जांपल भी समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं एक एक करके बच्चों। देखो एग्जांपल नंबर वन, ठीक है, यहां पर मैंने इस तरीके से लिया। अब देखो इसकी रिएक्शन मुझे अगर HI के साथ कराना है, ठीक है, HI के साथ कराना है, तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये यहाँ अटैक करेगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, अब काफी इजी कंसेप्ट है, ये आपका H, ये आपका प्लस चार्ज, ये इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपका आई माइनस अटैक करेगा। आई माइनस किस तरीके का अटैक करेगा बच्चों, अब SN2 टाइप, क्योंकि 1 डिग्री है। ठीक है, अब देखो इस तरीके से रिएक्शन होगा, ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, आई, और यहां पर क्या हो जाएगा ओ एच, और ये आपका सॉरी यहां से नहीं, यहां से तोड़ेंगे हमने। ठीक है, यहां पर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे, ये मैंने 1 मोल लिया है, ये मैंने 1 मोल लिया है। अगर मैंने 2 मोल लिया होता तो क्या होता, ये भी आपका HI के प्रेजेंस में, मैंने आपको बताया था एल्कोहल का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ HI, तो क्या हो जाता बच्चों, ये भी आपका आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाता। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, सेकेंड मोल में आपका बचा हुआ एल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाता है। तो कभी कभी आपको एक्सिस लिख के देगा तो दोनों आपको आयोडीन बनाने हैं, दोनों आपको क्या बनाने बच्चों, आयोडीन बनाने। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल की ओर अब हम मूव करते हैं बच्चों, इसी के एक एक करके एग्जाम्पल सभी को हम अच्छे से समझेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक करके एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। अब देखो यहां पर SN2 होने का एक और रीजन बोल सकते हैं, आई माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, आई माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नाउ अगला एग्जांपल समझते हैं बच्चों। ठीक है, अगला एग्जांपल CH3 CH2 O CH3। अब देखो अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें तो हम SN1 करा देंगे। ठीक है, यहां पर हम क्या करा देंगे बच्चों, SN1 करा देंगे। आपको लग रहा होगा बच्चों क्योंकि 2 डिग्री मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे SN1 केवल और केवल 3 डिग्री और जो आपका रेजोनेंस स्टेबल होगा उसी के केस में करवाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अगेन होगा, ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 CH CH2 OH+ और यहां पर CH3। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी कंसेप्ट है। नाउ अब क्या होगा बच्चों, ये आपका कहां टूटेगा, यहां पर भी आपका SN2 टाइप रिएक्शन होगा। SN2 टाइप का मतलब लीस्ट क्राउडेड एरिया में आपका आई माइनस जाना पसंद करेगा, तो आई माइनस आपका कहां जाएगा, इस पर अटैक करेगा और ये आपका ऐसे बाहर निकलेगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 CH CH3 OH और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 I। अगर मैंने इसको HI को एक्सिस में लिया, नाउ एल्कोहल के रिएक्शन, तो ये आपका इस तरीके से जाएगा। देखो यहां पर CH CH3 COH, यहां पर +2। ठीक है, अब ये बाहर निकलेगा तो यहां पर अटैक कर जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर HI को एक्सिस में भी लेके इस तरीके से प्रोडक्ट बना सकते हो। ठीक है, अगर आपका HI एक्सिस में होगा तो दोनों आयोडाइड होगा, लेकिन अगर आपको 1 मोल दिया है तो आपका केवल यही प्रोडक्ट बनेगा। ध्यान से समझना, यहां तक रिएक्शन फोर कितने के लिए, ये आपका 1 मोल के लिए, यहां से यहां तक आपका सेकेंड मोल के लिए ये आपका रिएक्शन है। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, जब आपको 1 मोल लिख के दे तो आपको 1 ही मोल करना है, जब आपको 1 मोल लिख के दे तो 1 ही मोल करना है, लेकिन आपको एक्सिस लिख के देगा वो। ठीक है, 1 मोल भी लिख के देगा, एक्सिस भी लिख के देगा। अगर आपको एक्सिस लिख के नहीं दिया है तो आपको 1 मोल मान के करना है रिएक्शन। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों अब हम।
यहां पर भी एस एन टू टाइप। तो मैं क्या बोलता हूँ यहां पर समझना, इसी में मैं आपको एग्जाम्पल में स्टेटमेंट लिखाऊंगा। देखते हैं यहां पर CH3, यहां पर OCH3, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन मुझे एच आई के साथ कराना है, फिर आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। अब देखो यहां पर अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो CH3, यहां पर OH+ और यहां पर CH3। अब देखो यहां पर आपका क्या प्रेजेंस है, यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनने की पॉसिबिलिटी है। 3 डिग्री कार्बोकेटायन यहां पर क्या है बच्चों, पॉसिबल है, यहां पर बन सकता है। अगर यहां पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा तो दिस रिएक्शन इज प्रोसीड बाय SN1 रिएक्शन, या आपका SN1 टाइप से प्रोसीड होगा। तो किस तरीके से होगा बच्चों, यहां पर आई माइनस आपका कहां अटैक करेगा, देखो ये आपका यहां से निकलेगा तो यहां पर आपका क्या फॉर्म होगा बच्चों, यहां पर आपका फॉर्म होगा कार्बोकेटायन और यहां पर CH3OH। अब ये कार्बोकेटायन पे आपका आई माइनस अटैक कर जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3CCH3CH3I, ठीक है। अगर मैंने एक्सिस में लिया तो क्या होगा, ये भी आपका आयोडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब से जो भी मैं एग्जांपल लिखाऊंगा उसका मैकेनिज्म आपको लिखना है, लेकिन अब मैं एक्सिस वाला नहीं बताऊंगा, एक्सिस वाला आपको खुद करना है बच्चों, एक्सिस वाला आपको खुद करना है, ठीक है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल पे, इसी के नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं बच्चों। काफी इजी क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे बच्चों इस पर बेसिस, तो इसीलिए अब हम समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर मैंने ऐसा ले लिया बच्चों, ये मैंने इस तरीके से ले लिया, यहां पर मैंने CH2OCH3, ठीक है। अगर मैंने इसकी रिएक्शन HI के साथ कराई तो सबसे पहले ऑक्सीजन के पास आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। अब देखो ऑक्सीजन के पास अगर आपका न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। CH2O+, यहां पर H, यहां पर CH3। नाउ अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर अगर अगला अटैक आई माइनस, लेकिन ये कौन सा टाइप होगा, SN1 टाइप। क्यों, क्योंकि जो यहां से जो आपका कार्बोकेटायन बनेगा वो आपका रेजोनेंस स्टेबल होगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों, मैंने आपको बताया था रेजोनेंस स्टेबल बने या फिर 3 डिग्री बने, तो रिएक्शन आपका SN1 टाइप हो जाएगा। यहां पर आपका क्या बन जाएगा, CH3OH। अब इसकी रिएक्शन में आई माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके का आपका रिएक्शन हो जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसका एक्सिस में बना के आपको मुझे होमवर्क बताना है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, आपको सारी रिएक्शन को एक्सिस में लेना है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। अब देखो यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं एक एक करके ध्यान से। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें मैं काफी एग्जांपल लूंगा ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं बच्चों, देखो यहां पर अगर मैंने ऐसा लिया तो क्या ये रिएक्शन प्रोग्रेस करेगा बच्चों, फिनाइल कार्बोकेटायन, देखो आप देखो HI या फिर HBr, फिनाइल कार्बोकेटायन आपका क्या SN1 शो करता है, ना तो SN1 शो करता है ना SN2। तो फिनाइल केटायन कैन नॉट शो SN1 एंड SN2 रिएक्शन, बोथ दोनों आपका शो नहीं करेगा। जब दोनों आपका शो नहीं करेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो रिएक्शन, ठीक है। सिमिलरली एक और कंडीशन में ले लेता हूं बच्चों एग्जांपल, यहां पर एक और एग्जांपल मैंने ले लिया, ठीक है। देखो ये वाला एग्जांपल भी मैंने ले लिया। अब यहां पर ब्रिजेट कार्बन है और HBr के साथ रिएक्शन है, तो क्या ये करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि दोनों आपका ब्रिजेट कार्बन पे SN1 आपका नहीं होता अकॉर्डिंग टू ब्रेट रूल, ठीक है। ब्रिजेट कार्बन क्या होता है बच्चों, नॉन प्लेनर, ये आपका नॉन प्लेनर होगा, ठीक है बच्चों। लेकिन जो SN1 में जो इंटरमीडिएट होता है वो प्लेनर होता है। SN1 में इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों, SN1 में इंटरमीडिएट आपका प्लेनर होता है और यहां पर SN2 में ट्रांजिशन स्टेप आपका प्लेनर होता है। ट्रांजिशन स्टेट आपका क्या होगा बच्चों, प्लेनर। तो SN1 में इंटरमीडिएट आपका प्लेनर होता है, लेकिन SN2 में ट्रांजिशन स्टेट आपका प्लेनर होता है, तो ये रिएक्शन भी आपका पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा बच्चों, नो रिएक्शन, क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर भी आपका नो रिएक्शन। नाउ अब हम समझते हैं यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल को देखते हैं बच्चों अब हम ध्यान से।
एग्जाम्पल यहां पर क्या होगा, एक और एग्जाम्पल देखो, इसके अलावा एक और एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखो यहां पर मैंने लिया CH3, CH3 OCH3, यहां पर CH3 ट्वाइस, यहां पर CH3, यहां पर CH2 OCH3। देखो इसकी रिएक्शन में HI के साथ कर रहा हूं, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कर रहा हूं, HI के साथ। तो यहां पर भी इथर है, यहां पर भी इथर है, इसको मैंने एक्सिस में ले लिया। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, काफी अच्छा क्वेश्चन बनेगा। देखो यहां पर अगर मैंने एक्सिस में लिया तो ये आपका इस तरीके से जाएगा, और यहां पर भी आपका इस तरीके से जाएगा, तो दोनों साइड आपका क्या बनेगा, CH2OH CH3, यहां पर भी क्या बनेगा, CH2OH CH3, और दोनों के ऊपर प्लस साइन। अब दोनों आपके बाहर निकलेंगे, दोनों आपके बाहर निकलेंगे तो वहां आयोडीन आ जाएगा बच्चों। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, एक साथ दो आयोडीन आपका इम्पोसिबल होता है। एक साइड अगर आपके एडजेसेंट कार्बन पे आयोडीन होंगे तो वो आपका अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा तो आपका क्या होगा, उसको समझना है आपको। देखो अनस्टेबल होगा तो यहाँ पर ये वाला बॉन्ड, यहाँ ये वाला बॉन्ड आपका बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, I2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। नाउ एक्सिस में, तो नाउ अब मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कराऊंगा, तो यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन के थ्रू एक आई बन जाएगा और एक आपका क्या बन जाएगा, CH3। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है। अभी मैं एक और क्वेश्चन ले सकते हैं हम इसका बच्चों। देखो यहां पर एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल देखो, यहां पर मैंने लिया ये इस तरीके से OCH3 OCH3 OCH3, HI इन एक्सिस, HI को मैंने एक्सिस अमाउंट में कर दिया। अब क्या होगा, इथर के पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये भी यहाँ अटैक करेगा, और ये भी आपका यहाँ अटैक करेगा। देखो जैसे ही आपके सारे यहाँ अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, OH+CH3, यहाँ पर भी क्या होगा, OH+CH3, यहाँ पर भी क्या होगा, OH+CH3। नाउ अब आपका आयोडीन अटैक करेगा, कौन, I-। अब ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं यहां से बॉन्ड तोड़ूंगा तो फिनाइल कैटायन बनेगा, मुझे यहां से तोड़ना पड़ेगा, इसका मतलब 1 डिग्री। नाउ रिएक्शन आपका किस टाइप से होगा बच्चों, SN2 टाइप से। तो ये यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहां खुलेगा, ये यहां अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां खुलेगा, ये यहां अटैक करेगा तो ये बॉन्ड यहां खुलेगा, तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों, CH3OH, ये आपका 3 मोल। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपके काफी रिएक्शन हो सकते हैं बच्चों, काफी रिएक्शन हो सकते हैं। तो आप लोगों को बस इस रिएक्शन को ध्यान से समझना है कि HI के साथ और HBr के साथ किस तरीके से रिएक्शन प्रोग्रेस होता है। अगर मैं रिएक्टिविटी को लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर रिएक्टिविटी को लिखना चाहूं, किसको लिखना चाहूं, रिएक्टिविटी को, तो देखते बच्चों रिएक्टिविटी आपकी किसकी मैक्सिमम होगी, HI की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद आपका HBr, उसके बाद आपका HCl, उसके बाद आपका HF और HCl आपका रिएक्शन ही शो नहीं करेगा, इस तरीके से इसकी रिएक्टिविटी होगी बच्चों। तो यहां पर क्या होगा, कैन नॉट शो रिएक्शन, ये आपके रिएक्शन को शो करेंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन क्वेश्चन को अगर आप लोग अच्छे से समझोगे तो आपको और भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं होमवर्क के लिए बच्चों आपको एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। यहां पर मुझे OET की रिएक्शन, यहां पर मुझे OET की रिएक्शन एक तो मुझे लेना है 1 मोल में, 1 मोल HI के साथ, एक मुझे लेना है एक्सिस ऑफ HI के साथ, एक्सिस ऑफ HI के साथ। ठीक है, ये मुझे इस तरीके से रिएक्शन को आपको करके बताना है बच्चों। आई होप सो कि आप लोग अच्छे से रिएक्शन को सॉल्व कर लोगे। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जो आपको करना है बच्चों। यहां पर देखो, यहां पर मैं ले लेता हूं इसको, ये ओ, यहां पर ये। अब आपको बताना है बच्चों कि रिएक्शन का आपका प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये आपका रिएक्शन HI के साथ, एक तो आपको 1 मोल के साथ कराना है, एक आपको बच्चों एक्सिस में कराना है। ठीक है, आई होप सो कि आप अच्छे से कर लोगे। तो इन दोनों रिएक्शन का आपको बच्चों प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, तो ये तो दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा बच्चों। आई होप सो कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इपॉक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, तो
बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, सो थैंक यू सो मच।